आप न्यूज चैनल में आज हम मिलवाते हैं आपको जनपद बरेली की तहसील आंवला के विकास खंड मजगुमा के अंतर्गत जो गांव आता है बचेरा, वहां के एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरकर एक मुकाम हासिल किया है और वो जाटव एकता समाज कल्याण समिति के प्रदेश महासचिव हैं। आइए हम उनसे सीधे सीधे जानेंगे, कुछ उनके जीवन के बारे में भी हम उनसे कहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं। उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, गांव के प्रधान भी रहे हैं और तमाम राजनीतिक दलों में काम किया है। नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमीशन ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं। सीधे सीधे हम उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। स्वागत है सर आपका। हेलो, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को और आपके सब साथियों को भी। आपने मेरा परिचय बता दिया है, मैंने लगभग से होश संभाला है तो हर समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ क्षेत्र में और 20 साल तक लगातार मैंने एक पार्टी में काम किया है जिसमें हम लोगों के साथ काम किया, उसने हमारे समाज को धोखा दिया। बहुजन समाज पार्टी में 20 साल से हम लोगों ने काम करते हम चले आ रहे थे और उसमें केवल दलालों की, बस उन्हीं लोगों की कीमत थी जो दलाल थे और वोट के नाम से अरबों रुपया लेते थे। MLC बनाने के 5-5 करोड़ रुपया लिया करते थे, है ना। उसलिए जो जाटव कम्युनिटी जितनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से मतलब अन्य दलों ने, अन्य दल जैसे कि समाजवादी पार्टी है वो तो गुंडों की पार्टी है, उन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा और लूटने के बाद उन्होंने अपने समाज को भी काफ़ी कुछ किया, उन्हें भरपूर हर तरह से संपन्न कर दिया गया। मगर माननीय बहन जी से हमारी कोई बुराई नहीं है, ना हमारा कोई उनसे प्रॉब्लम है। बस समस्या ये है कि हम जैसे लोगों ने अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के नाम से लेकर मानवर काशीराम साहब के मिशन से नाम लेकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, मगर जब मानवर काशीराम साहब के इतने सपने थे उनके ख़त्म होने के बाद मान्या बहन जी ने पार्टी को बिल्कुल नेस्तनाबूत कर दिया और हम लोगों की कहीं कोई गिनती जाटवों की रखी नहीं। एक ठप्पा लग गया कि हम लगा दिया, लोग कहते हैं जाटव समाज बहुजन समाज पार्टी का है, इसका वोट तो मिलेगा नहीं, इधर मांगने नहीं जाना। मैंने पिछले 2017 के चुनाव से पहले माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को छोड़ा था, लखनऊ में उन्होंने विपुल खंड आवास पर मुझे बुलाया, बोले आपको आना, मैंने पार्टी छोड़ दी, मैंने बिल्कुल आऊँगा। तो हम 20-25 लोग थे उनके आवास पर, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम एक मंडल वाइज मौर्य सम्मेलन करेंगे और उसके बाद हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। हम लोगों ने कार्यक्रम किए, कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली में भी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद हमने रामाबाई अम्बेडकर मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जिसके चीफ गेस्ट थे माननीय अमित शाह जी और काफ़ी विधायक और पूर्व विधायक, उन लोगों ने पार्टी को मतलब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। वो क्यों किया था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने सबसे पहले जब चुनाव जीता हुआ प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बॉम्बे के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के टेम्पल को सबसे पहले बनवाने का काम किया। इसलिए हम लोग बहुत प्रभावित होकर और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हम लोगों ने काम किया और उस तब से लेकर 2017 के चुनाव में हमको जिम्मेदारी मिली कि सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ आप पिछला बार सम्मेलन करेंगे पूरे मंडल में,
हमका ठीक है बिल्कुल, जो भी आदेश है पार्टी का हम करेंगे, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के लिए हम काम करेंगे। हमने सब कार्यक्रम किए, करने के बाद अभी पूरा 5 साल निकल गया, वो हमारे समाज के लोगों में जहाँ हम वोट मांगने जाते थे वो लोग कहते थे अरे तुम कहाँ बीजेपी में आपने ज्वाइन कर लिया, आप तो बहुजन समाज पार्टी के आदमी हो। तो हमने कहा भाई हम बहुजन समाज पार्टी के 20 साल से हैं और पैदाइश से हैं, आप भी बात करो पैदाइशी मान लो हम पैदाइशी हैं, मगर एक बात बताओ बहन जी तो सही सरकार बनती थी तो हम लोग ये कहा करते थे कि बहन जी ऐसा करो कि हमारे समाज के युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं उनको वही रोजगार दिया जाए, स्वरोजगार दिया जाए और उनके लिए जो आवास हैं तमाम चीज़ें हैं मतलब सरकार में वो उनको दिया जाए। ये हम लोगों ने बहन जी से अपने लोगों ने मिलकर मांग रखी, मगर बहन जी ने कहा कि नहीं हम बैसाखी की सरकार है और हम क्या नाम है लोग टांग खींच लेंगे सरकार गिर जाएगी कोई फ़ायदा नहीं होगा, भोला मत की सरकार आने तो देखा जाएगा। ये हमने लोग चुप रह गए, हमने चलो ठीक है। अब आ गई फुल बहुमत की 2007 में सरकार, तो पूरे प्रदेश का किसी भी समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन ना किया हो, चाहे वो नरेश अग्रवाल हों, चाहे वो हमारे संजय ट्रांसपोर्ट बरेली वाले हों, पूरे प्रदेश के अंदर बहन जी सबको राज्यसभा सांसद बनाते चली गई और जट ऑफ समाज से कह दिया गया भाई तुम तो जरा खड़े हो जाओ, जैसे कि आर के शर्मा हमारे आंवला से विधायक था यहाँ पर बीएसपी से 2007 में, तो वो सीधा सीधा कहता था जाटवों से कि भी मैं तो बहन जी को आपके पैसे दे आया हूँ, आप तो बहन जी के पास जाओ दीनदयाल के पास जाओ आपका काम तो वो करेंगे। और उसने अखबार में निकलवा दिया कि सब पंडित अपने आप को विधायक समझे, तो हमने तो उसे कभी घास डाली नहीं और नहीं डालेंगे कभी। मैं गांव का प्रधान था, 2010 से लेकर 2015 तक मैं प्रधान रहा, गांव के लोगों ने मुझे प्रधान बनाया, मैंने पुलिया का निर्माण कराया, लखनऊ से 2 मिनिस्टर एक मौर्य मिनिस्टर पारसनाथ मौर्य जी अजयशील गौतम जी 2 मंत्रियों को बुलाकर मैंने उद्घाटन कराया। उद्घाटन कराने के बाद मैंने यहाँ के विधायक को बिल्कुल नहीं बुलाया, बसपा सरकार में मैंने नहीं बुलाया। अच्छा हम अलग क्यों हुए, सब संसत्रह में हम जब वोट मांगने पहुँचे समाज के अंदर वोट मांगने पहुँचे तो समाज के लोगों ने कहा भाई अरे ये क्या है आप तो बीजेपी को वोट मांग रहे हो, अरे बोले बाप से बाप कहो ना। तो ये बात हम जैसे कि गांव पड़ता है कटसारी, इसमें 2 मोहल्ले हैं, इसमें 800 वोट है लगभग जाटों समाज का, हम लोग दोनों मोहल्ले में अलग अलग बैठे, ये बात वहाँ चली भी आप बीजेपी में कैसे आ गए। तो मैंने एक उदाहरण उनको दिया, जब मुलायम सिंह यादव ने बहन जी पर हमला किया था वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में, तो फरुखाबाद के द्विवेदी जी बीजेपी से विधायक थे, और अगर वो द्विवेदी जी वहाँ नहीं होते तो उस दिन बहन जी को मुलायम सिंह यादव निश्चित तौर से मार देता, अगर वो मार देता तो हम लोग यहीं कहीं रह जाते, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना हमारी कोई सरकार बनती, ना हम किसी के साथ हम जाते, ना हमारा कोई मान सम्मान होता। वो उन्हीं की देन है द्विवेदी जी की, वो जाति से पंडित थे, भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, तो आप मुझे बताइए। दूसरी बात फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी को समझौता हुआ कि 6 महीने आप सरकार चलाएंगे, 6 महीने बाबूजी कल्याण सिंह सरकार चलाएंगे, तो बहन जी को भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जब बाबूजी कल्याण सिंह की बात आई, बीजेपी की जब बात आई मुख्यमंत्री बनाने की, तो उन्होंने अपने वहाँ समर्थन वापस ले लिया। तो ये तो एक तरह से धोखेबाजी है, ये तो एक धोखेबाजी है भाई, इस चीज़ को हम लोग पसंद नहीं करते। इसका हमसे लोगों ने ये हम लोग को जवाब दिया, बोले ये बात तो ठीक कह रहे हो। तो गांव-गांव जा जाकर मैंने ओनली फॉर जाट ऑफ समाज के लोगों से मैंने कहा भाई हम भारतीय जनता पार्टी से वोट मांगने आए हैं, अगर हमको 150 वोट या 10-20 वोट आप हमको दे देंगे, 150 वोट हमको दे देंगे इस पाक से अगर बीजेपी गवर्नमेंट बन गई तो हो सकता हम तुम्हारे कुछ काम आ जाए। ये हमने अपने समाज से कहा, पूरे प्रदेशों में मैंने कहा, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्रतिनिधि के तौर पर काम करता हूँ,
जहाँ दलितों पर हत्या, डकैती, बलात्कार, मर्डर होता है, उनके लिए आर्थिक सहायता दिलवाता हूँ और उनका मुकदमा कायम कराता हूँ आयोग से, भारत सरकार से। तो मेरा कहना यह है, आज भी हम, अब जैसे कि अभी चुनाव हुआ है, अब जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में मैं केवल ओनली फॉर जाटव समाज के, हाँ, मेरी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर जजेस गांव में गया, किसी में 500, किसी में 700, किसी में 600, किसी में 200, किसी में 300 वोट, जैसे कि हम लेके चलते हैं रामनगर, रामनगर में 600 वोट है, हमारी वहाँ रिश्तेदारी भी है। हमने अपनी बात पंचायत के तौर से पूरे जाटों में अपनी बात को रख, भारतीय जनता पार्टी की बात को रखा है, हमने उनको एग्जाम्पल दिया। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश सरकार में 85-80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी SC के हैं, उसमें जाटव भी हैं, अन्य लोग भी हैं। लोगों ने हमसे डिबेट किया, हमने उनसे कहा हम डिबेट आपसे करने को तैयार हैं। जब बताइए, जब आखिर बहन जी ने, जब मेरा उनसे डिबेट हुआ तो मैंने कहा देखिए, मैं आपसे सीधे सीधे रूबरू बात कर रहा हूँ, एक हाथ देना एक हाथ लेना, मतलब यह है भाई भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास है। ये 2000 रुपये दे रही है, ये मुँह देख के तो नहीं दे रही है, गल्ला फ्री दे रही है, किसी का मुँह देख के तो नहीं दे रही, चाहे कोरी, बाल्मीक, धानुक, बेलवाल, मुस्लिम, हिंदू, नाई, जाटव, कोई भी हो, किसी भी समाज का व्यक्ति को ये बता दे कि हमको गल्ला फ्री नहीं मिल रहा है, या हमको 2000 रुपये मंथली किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, और ये सोच समझ ले आदमी कि हमने कहा, उनसे पूछा भैया आप बताइए आपको क्या मिल रहा है, बोले हाँ मिल रहा है, तो हम कहा बताइए ना, आपने नमक तक खाया है तो आप नमक हराम करेंगे कि नमक हलाल करेंगे? तो बोले नहीं नहीं, हाँ हाँ नमक हलाल करेंगे, हाँ भाई नमक हलाल करके देंगे, उनका अच्छी बात है। हमने फिर ये भी कहा, उन लोगों ने हमसे पूछा, मैंने बोले बहन जी का क्या रुख है, मैंने बहन जी का रुख आप ही पहचान लीजिए, बहन जी का सीधा सीधा इशारा है, चाहे वो पूरे प्रदेश में विधायक हों, पदाधिकारी हों, प्रदेश के हों, जिले के हों, बूथ का हो, कोई भी पदाधिकारी हो, वो हमारी उन्होंने वीडियो जारी किया कि इस समाजवादी गुंडों को, इस सरकार को मतलब वोट नहीं देना है, बेशक भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को दबाना है या अन्य किसी दल को। तो मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा, यहाँ अन्य दल कोई है नहीं, बहन जी का सीधा सीधा इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ हमारा प्रत्याशी कमज़ोर है, तो वहाँ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट और वोट देने का काम जाटव समाज के लोग करें। जैसे कि मैं जगन्नाथपुरम पहुँचा, हरदासपुरम पहुँचा, बरसेरम पहुँचा, सुकुटियाम पहुँचा, मैं खुर्द बेदन नवापुरा में पहुँचा, मैं सोना धनौरा में पहुँचा, मैं सरौली में पहुँचा, मैं सिपरी में पहुँचा, हैं मैं केदोना में, शेखपुर में, अलीगढ़ में पहुँचा, हैं मैं सत्तारनगर में पहुँचा, मैं तमाम गैनी पहुँचा, मैं ठीक है सिसोना पहुँचा, तिघाई पहुँचा, मैं और भेटा पहुँचा, तमाम पूरी विधानसभा में। अब हमने जो चुनाव लड़ाया है माननीय मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के लिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, और जहाँ भी मैं काम करता हूँ पूरे कर्तव्य और निष्ठा के साथ करता हूँ, और उससे पीछे नहीं हटता हूँ चाहे मुझे कुछ ना हो। अभी हमारे साथ हैं राम कुमार क्रांति, जो कि एक गांव से एक बड़े स्तर तक जनपद बरेली का जो एक विकसित गांव अलीगंज पड़ता है, उसके नज़दीक में ही बचेरा गांव पड़ता है, वहां के ही रहने वाले हैं राम कुमार क्रांति जी। हम उनसे और भी चर्चा करेंगे, आखिर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कब से स्टार्ट किया, उसके बारे में भी हम आपको सीधे सीधे उनसे ही जानेंगे। जब जैसा कि आप कब से समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? मैं 89 से लग कर रहा हूँ। तो हमारे दर्शकों को बताइए, आपने कहाँ से, किस तरह से आपके अंदर ये जुनून आया समाज सेवा करना चाहिए, और भी आपके समाज के लोग हैं, लेकिन आपने जो पहचान बनाई है वो लग नहीं रहा है कि आपके यहाँ कोई क्षेत्र में आपकी इतनी लोकप्रियता आपके समाज में किसी ने हासिल की हो। देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा सर समाज को और अपने समाज को भी, क्यों मैंने 89 से शुरुआत करी। मैं अलीगंज का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 14 अप्रैल को मेला लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसको मैंने कम से कम 6 साल मैंने चलाया होगा,
छः साल मैंने बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती चलाई, भगवान बुद्ध का प्रचार किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रचार किया। लोगों ने मुझे पार्टी में ले लिया तो मैं सेक्टर से सेक्टर का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। बना करके मैंने उन्होंने कहा तो मैं दो दिन में काम करके देना है ये, मैंने उसको डेढ़ दिन में काम करके दे दिया। तो बोले यार ये तो बहुत फास्ट है। तो इसी तरीके से मुझे धीरे धीरे यहाँ से लेकर के जब लास्ट चरण तक पहुँचा तो मैं जब 2007 में बरेली मंडल ठाकुर भाईचारा कमेटी प्लस वाल्मीकि भाईचारा कमेटी प्लस मौर्य भाईचारा कमेटी का बरेली मुरादाबाद मंडल का जॉइंट कोऑर्डिनेटर भी रहा मैं, अच्छे से पदों पर रहा। मगर मैं एक बात ये कहता हूँ कि अपने समाज से कहता हूँ, ये न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, है मेरे जाटो समाज के लोगों तुमको जो दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अब जैसे ये हमारी एक दिलीप पैदाइशी हमारा जज्बा है, किसी की हमारे गाँव में घटना हो जाए, कोई ख़त्म हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं दुश्मनी दोस्ती नहीं देखता हूँ, उसको शमशान तक ले जाने का काम करता हूँ। कितना बड़ा कार्यक्रम क्यों ना लगा हो मैं उसके लिए रिजेक्ट करता हूँ। गांव में भी अगर रास्ते में मुझे कहीं डेथ बॉडी अगर जाती मिलती है अर्थी तो मैं ये मेरा पैदाइशी जज्बा, ऐसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा सामाजिक अपना पैदाइशी जज्बा है कि मैं उनको भी 5 कदम कंधा देकर वो वहाँ पहुँचाने का काम करूँ। और दूसरा ये है मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ नहीं कर रही है, तो मैं जब कटारी में पहुंचा था तो वहाँ के श्रीपाल सागर हैं, उन्होंने उनका लड़का है तो वो एसआई की भर्ती में पास हो गया। बोले साहब भर्ती के लिए वहाँ जाना है, वहाँ मुरादाबाद ट्रेनिंग है। तो हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने उनसे एक सवाल किया, बताइए कि कितना पैसा आपने अपने बच्चे को एसआई बनाने में कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा किसने लिया, किसी के द्वारा, किसी दलाल के द्वारा कितना पैसा लिया। बोले हमारा 1 रुपया कहीं पर खर्चा नहीं हुआ है। इस श्रीपाल नगर बीजेपी गवर्नमेंट में जाटर समाज के एक एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा बना कटसारी का, तो ट्रेनिंग पर जा रहा था, बोला हमारा कोई 1 रुपया भी नहीं गया है। और वही 2007 की सरकार में मैंने अपने सगे भाई जो अमीन पद PWD में है, बदायूं में मैंने पोस्टिंग कराई थी उसकी, उसमें भी मुझे 5 लाख रुपए चंदे के रूप में पार्टी में जमा करना पड़ा था। पूरा जीवन भी मैंने उन्हें बर्बाद किया था। मगर मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देखो सबकी पार्टी है, अगर 2000 रुपये सम्मान निधि नहीं मिलती किसान भाई को, 1000 रुपये पेंशन नहीं मिलती, ई श्रम कार्ड का 1000 रुपये नहीं मिलता, राशन गल्ला फ्री नहीं मिलता, तो लॉकडाउन में कितने तमाम समस्त बिरादरी के लोगों के चूल्हे नहीं जलते, लोग भूखे लोग मर जाते। क्रांति जी, और भी आप जैसा कि आप बचेरा गांव के रहने वाले हैं और बचेरा गांव से ही आपके गांव से एक जवाहरलाल जी आते हैं, उन्होंने बरेली कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है अनुसूचित मोर्चा की, उसमें प्रदेश मंत्री हैं, और हाल ही में जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव उसमें जो विधानसभा फरीदपुर है उससे टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उनके बारे में भी क्या वो आपके परिवार से हैं? देखिए वो एक बच्चा है गांव से, मेरे भतीजे लगता है, बराबर में मेरा उसका घर है मेरे पास में। अब उनका वो उनकी कार्यशैली है वो अलग चीज़ है, मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मुझे कहीं कोई घटना जानकारी मिलती है तो मैं खाना भी छोड़ देता हूँ, दौड़ता चला जाता हूँ। नहीं सर, एक बात वो और सर एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके बचेरा गांव से प्रदेश की राजनीति में आपके गांव का नाम जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे, कितना आप खुश हैं? नहीं, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं, देखिए वो दावेदारी हमने भी की थी फरीदपुर में, क्योंकि हमने 20 साल काम किया है, पूरी हर विधानसभा में हमें लोग जानते हैं, दावेदारी हमारी भी थी और हमें भी चुनाव, हमने कहा अगर पार्टी लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो वो हमारे गांव से है, वो ठीक, हम चाहते हैं बढ़िया है, हमारे समाज के लोग आगे निकलें, लीडर हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था कि लोगों में लीडरशिप पैदा करो, रोज़गार पैदा करो। तो हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें, मगर आगे बढ़ें समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, ना कि अकेला रहकर या किसी और को लेकर। सर, जैसे कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आप कह रहे हैं मैं तमाम गांवों में मैंने समर्थन के लिए मैं गया, इस बार आपने जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्या लग रहा है आपको आंवला में कौन विधायक बनने जा रहा है?
देखिए बड़ी सीधी बात है, हमारी किसी से फाइट नहीं है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो गेंद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी से फाइट नहीं है। कम से कम 20,000 से ऊपर, माननीय श्री धर्मपाल सिंह मंत्री जी 20,000 से ऊपर वोटों के अंतराल से चुनाव जीतेंगे। और ये भी दावा है, हम लोग ने डिमांड किया है और डिमांड करेंगे, जैसे 10 तारीख को सरकार बनेगी, और पहले ही हमने डिमांड किया है कि हमारे मंत्री जी को फिर कैबिनेट दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। इस चीज़ पर अगर कोई हमको शर्त लगाना चाहता है वो हमसे शर्त लगा ले, हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। अगर आंवला विधानसभा पर कोई शर्त लगाना चाहता है, जो मेरे पास पूंजी है वो पूरी पूंजी लगाने को तैयार हूँ। आज अभी तक कोई इस विधानसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में भाई श्री धर्मपाल सिंह मंत्री जी के लिए कोई हराने वाला पैदा है ही नहीं। 20,000 से ऊपर जाइए, 20,000 की बात मैं स्वयं कर रहा हूँ, उससे ऊपर देखिए जा करके, मंत्री जी 20,000 ऊपर से मंत्रालय से वोटों से जीतेंगे और दोबारा कैबिनेट मंत्री बनेंगे। माननीय हमारे गृह मंत्री जी आंवला में जब आए, उन्होंने कहा आप भारी मतों जिताकर भेजिए, मैं इनको फिर बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो इसका सीधा सीधा सारा ये है, और हमारे जाटू समाज के लोगों ने माना है, माननीय मंत्री जी ने भी माना है, मीडिया के सामने कहा है, कहा हमें जाटा भारी संख्या में वोट मिल रहा है, हमें सर समाज का वोट मिल रहा है हमें। और इसके लिए माननीय मंत्री जी ने मुझसे ये भी कहा, बोले क्रांति तुम्हारी तुम ठीक काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और मैं आपके बारे में सोचूंगा। मैंने कहा साहब मेरे बारे में सोचें आप ना सोचें, मैं स्वयं में घर से मैं पूर पर्सन से आता हूँ, मगर मैं कैसे कैसे लोगों को हम लोगों ने क्या क्या बनाया है, विधायक बनाया है लोगों के लिए, अब वो आसमान पर हैं तो हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि भाई वो अब कहीं लक है, जिसका लकी आदमी है, लक है, जहाँ लग जाएगा वहाँ आदमी वो करेगा। अब जैसे कि मैंने तो गद्दारी आज तक की नहीं किसी के साथ, वो नहीं करता हूँ। अब आप मुझे 2017 से पहले से हमने ज्वाइन करी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में, अब उनने हमको बुलाया लखनऊ, बोले क्रांति ऐसा है आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा भाई साहब अब आप एक बार बताइए, आप तो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और आपसे पारिवारिक संबंध ही हम मानते हैं, दूसरा ये है कि आप संगमित्रा जो हैं बीजेपी के सांसद हैं आपकी बेटी, उनको भी पार्टी में लाइए। आप तो बार बार बदलेंगे, आप तो 5-5 गाड़ी एक बार में निकालते हैं और आपका हर गाड़ी का नंबर 5,000 नंबर है लखनऊ का। तो मेरे पास तो टूटी फटी सी एम्बेसडर गाड़ी रख पड़ी है, पता नहीं उसकी सर्विस भी ना हुई है, बस मैं तो सेवा करता रहता हूँ। मैंने उनके हाथ जोड़े, 2 दिन मैं रुका वहाँ, मैंने कहा भाई साहब मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, अब मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। क्यों? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, माननीय जुगल किशोर जी पूर्व सांसद राज्यसभा खीरी लखीमपुर, वो जब बहन जी ने निकालना शुरू किया जाटवों के लिए, वरिष्ठ मानवर काशीराम साहब के इतने नेता थे साथ के, उन्होंने सबको निकाला, उनका बेटा सदर से विधायक था और आज भी चुनाव लड़ा है, वो चुनाव जीत रहा है खीरी लखीमपुर से। दूसरा हमारा अब दिल्ली चलते हैं, हम दिल्ली चलते हैं, माननीय दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और मेन बॉडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, इस समय वो सांसद राज्यसभा और राष्ट्रीय महासचिव मेन बॉडी भारतीय जनता पार्टी में हैं, प्योर जाटव समाज से आते हैं, तमाम जाटव समनेता हमारे दिल्ली लखनऊ बैठे हुए हैं। थोड़ा सा और एक सवाल है, जैसा कि तमाम राजनीतिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गरीबी से समाज सेवा करके बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो थोड़े समय में हमारे दर्शकों को बताएं आपने अपनी जो राजनीतिक जो जीवन है कहाँ से स्टार्ट किया और आप क्या और आगे आपकी इच्छाएं, थोड़ा हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए मैं ने जो शुरुआत की है, मैं बहुत मतलब पैदल चल कर मैंने काम किया है, खेतों में जा करके हम लोगों ने काम किया है, पार्टी के लिए काम किया करते थे लोग, मतलब 5-5 रुपये रसीद काटते थे, जाते थे कहीं गांव में रुक गए, गांव पड़ गया तो वहीं रुक गए, उससे आगे बढ़ गए फिर गांव पड़ा तो वहीं रुक गए, इस तरीके से हमने ज़मीनी, क्योंकि हम शहर को कम लायक करते हैं, हम ज़मीनी देहात में जो हमारा वोटर है और देहात में जो हमारा समाज का आदमी है हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और हम उसके लिए हर तरीके से मैंने ये बोला है, सबको नंबर दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं कि आप आधी रात फ़ोन करेंगे तो आधी रात में पहुंचूंगा, बेशक चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं अपने समाज के लोगों से यही अपील कर रहा हूं और मैंने की है कि आप लोग आइए, देखिए बल्कि आपको मान सम्मान मिल रहा है, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है,
माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जाट समाज का वोट स्पष्ट, अभी मैं देख रहा था परसों टेलीविजन, तो माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट पेयर ओनली फॉर जाट समाज पर बोला उन्होंने कि जाट समाज भी हमें अच्छी तादाद में मिल रहा है। ना तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बुराई, भारतीय जनता पार्टी ना बीएसपी की बुराई कर रही है, ना बुराई बीजेपी की कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे जनपद बरेली तहसील आंवला विकासखंड मझगुआ का जो गांव पड़ता है वचेरा, राम कुमार उर्फ क्रांति, जिन्होंने एक अलग अपनी पहचान बनाई है। ऐसे ही शिक्षित और ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। बने रहिए वरेली देहात न्यूज़।